अज खालिस्तान के कारकुनों ने पंजाब आर्म्ड पुलिस के हैडक्वार्टर जलंधर विखे खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद 26 जनवरी पंजाब की आजादी की वोटा दे छापे लाए है। पंजाब आर्म्ड पुलिस के बाहर 4 जुलाई 1955 भी लिखा गया क्योंकि जलंधर रेंज का आई जी अश्विनी कुमार की कमांड हेठ 1955 पहला हमला दरबार साहब से होया सी। पूरे पंजाब ते दुनिया दे विच दिखाउण नूं कि सिख कौम अज आजादी मंगदी है, रेफरेंडम राही आजादी मंगदी है, पंजाब आर्म्ड पुलिस दे बाहर छापे लाए है। ये उही पंजाब आर्म्ड पुलिस है जिथे कदी शहीद जनरल लाभ सिंह ने कातल रबीरो दे उत्ते गोलियां चलाईयां सी। याद रखे भारतीय हुकूमत, रेफरेंडम प्रोपेल्ड ग्रनेड जिहदे नाल असी नारे लाए है, ए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रनेड सी। किसे समय दोबारा बन सकता है रेफरेंडम प्रोपेल्ड ग्रनेड रॉकेट दे विच बदल जाएगा जे सिख कारकुना खालिस्तान कारकुना ते तशद्दत होया। भगवंत मान ते मनदीप सिद्धू संगरूर दे विच तुसी साडे कारकुन फड़े आ छापे लाण वाले। सैकड़े कारकुन पूरे पंजाब विच तैयार हो चुके हैं और रॉकेट फड़न नू भी तैयार है। सिर्फ सिख फॉर जस्टिस की मुहिम ने उन्होंने कलम की ताकत दसी है, रेफरेंडम की ताकत दसी है। यही पीएपी हैडक्वार्टर के बाहर रॉकेट भी चल सकता सी। यही हथ जड़े रेफरेंडम कराते और रॉकेट चलाते हैं। 4 जुलाई 1955 पहला हमला दुनिया के विच याद रखना। इस 4 जुलाई नू तुसी हर घर के 1955 ते होया हमला दे बारे अरदास करनी है। 26 जनवरी वोटा पैणगियां पंजाब नू भारत के कब्जे चो आजाद कराउण दियां। मुहिम खालिस्तान रेफरेंडम की है। खालिस्तान जिंदाबाद। इस संबंध से अभी जो पर्चा दर्ज कर रहे हैं अभी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी ही दोषी को जो गिरफ्तार कर लेंगे। जानकारी कब मिली थी तुम्हें इसके बारे में? जब हमें जानकारी मिली अभी इमीडिएटली जो है उसे रेक्ट सर कहता पीएपी गेट नंबर 1 के बाद सीसीटीवी कैमरे भी लगे। अल्टीमेटली फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी ट्रेस कर।